हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपको थियोरेटिकल एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कई सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। अभी ये जो नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपके थियरी क्वेश्चन आते हैं, मीन्स एग्जाम में जो आपके 20 मार्क्स के थियरी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 20 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे पास 3 अकाउंट है, 20 20 करके 60 मार्क्स होता है, जो कि आपको अराउंड कुछ 10% के आसपास जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक रहेगा, वो व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हो। इन केस यदि आप मलाड में रहते हो तो यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास मलाड इसमें क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता हूँ बताता हूँ जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में थियरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, स्टॉक लेवल आप पढ़ के जा सकते हो। कॉसेस ऑफ ओवर एंड अंडर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये भी आप स्टडी करके जा सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, परचेस ऑर्डर क्या होता है, एक्सप्लेन ABCD के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है इन्वेंट्री का, कॉस्ट सेंटर क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सेलिंग ओवरहेड क्या है, पर्पज नीड ऑफ रिकंसलेशन कैसे हम लोग करते हैं, टाइम कीपिंग क्या है, आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल टाइम क्या होता है, एलोकेशन वर्सेस अपोर्शनमेंट क्या होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थियरी क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। यदि आप ये सब क्वेश्चन को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाते हो, रेडी करके जाते हो, तो आपको 20 मार्क्स में से अच्छा खासा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। 20 में से 20 मार्क्स भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्टडी करना है। और यदि आपको कुछ डाउट रहे तो आप ऑफकोर्स कमेंट करिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।